क्यूट मिनिएचर काउ विल्ला हाउस। एक लैब में एक वैज्ञानिक काम कर रहा था। उसके सामने एक बड़ा सा गाय था। वो उस गाय के ऊपर कई तरीके के प्रयोग करने लगा। आखिर में वो एक मिनिएचर गाय को तैयार किया। उसे देखकर वो वैज्ञानिक बहुत खुश हुआ। वो एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम में गया। वहां बहुत सारे लोग उस वैज्ञानिक के लिए इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही सब लोग एक ही बार खड़े हो गए। तब एक बिजनेसमैन, क्या बॉस जी, इतने दिन दिखाई दिए बिना गायब हो गए, कहाँ थे आप और क्या कर रहे हैं, पूछा। तब बॉस, मैं एक नया तरीके के गाय के ऊपर रिसर्च कर रहा था। साधारण में हमारे देसी गाय बड़े रहते हैं ना, लेकिन मैं बहुत मेहनत करके मिनिएचर गाय को तैयार किया, कहा। तब वही मौजूद और एक आदमी, क्या मिनिएचर गाय, वो किस लिए काम आता है? अगर दूध दुहाया तो मिलीलीटर दूध भी मिलेगा कि नहीं? फालतू में कंपनी का पैसे और आपका समय भी बर्बाद कर रहे हैं, कहा। तब बॉस, देखिए आप जैसे सोच रहे हैं वैसे मैंने जो बनाया है वो गाय केवल दूध देने के लिए ही नहीं, वे हमारे घर में पालने के लिए भी काम आते हैं। वे बहुत दोस्ताना गाय है सर, वो काटेंगे कहकर डर भी नहीं है, कहा। तब वो बिजनेसमैन, देखिए बॉस जी, आप इतना मेहनत करके जो बनाए हैं वो केवल घर में घूमने वाला गाय है क्या? उसके वजह से हमको और खरीदने वालों को उपयोग नहीं है। सॉरी सर, आपका प्रयोग बेकार में गया है, कहा। तब बॉस उनको और कुछ विवरण देने के लिए देखा, लेकिन उनका बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तब बॉस, सर एक बार मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए सर, कंपनी का पैसे कम होने से भी मैं अपना संपत्ति को गिरवी में रख कर ये पूरा प्रयोग किया है। अब आप मुझे मदद नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा सर, मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा सुनिए सर, कह रहा था। फिर भी उधर का बिजनेस वाले बॉस का बात सुने बिना उधर से चले गए। अब बॉस को क्या करना है पता नहीं चल रहा था। बॉस तब तक 10 मिनी काउस को तैयार किया। तब बॉस का असिस्टेंट, सर आप इतने दिन बहुत मेहनत करके इन मिनी काउस को तैयार किए थे, अब इनको ऐसे ही छोड़ना है क्या, कहा। तब बॉस, पता नहीं है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम इनको बनाने का इरादा तो सही है, लेकिन इन लोगों को समझ में आए जैसा करना है, कहा। वही गांव में रातोड कहकर एक जमींदार रहता था। रातोड बहुत धनवान था, बहुत करोड़ों का मालिक था। उनको पत्नी और एक बेटी चिन्नी थे। बेटी चिन्नी बहुत शरारत करती थी। शादी होने के बहुत साल के बाद पैदा होने के वजह से रातोड चिन्नी को बहुत लाड प्यार से देखता था। एक दिन चिन्नी खेत में गई, उधर चिन्नी कुछ गाय को देखी, उनसे बहुत अच्छे से खेली। घर आने के बाद चिन्नी पिता से, पिताजी आज मैं खेत में गई तो उधर गाय दिखाई दिया, वो कितने प्यारे हैं पता है, मुझे वो गाय चाहिए पिताजी, उनको मैं घर में पालती हूँ पिताजी, बोली। तब राठौड़, नहीं बेटी, गाय हमेशा घर के आंगन में रहना है, घर के अंदर उनको नहीं पाल सकते हैं, हमारा इतना बड़ा विला में वो गाय कैसे रहेंगे बताओ, हमारा लाखों का मूल्य ये टाइल्स उनके गोबर के वजह से खराब हो जाते हैं, कहा। तब चिन्नी, वो सब मुझे पता नहीं है, मुझे वो गाय चाहिए बस, मैं उनको पालती हूँ, कहकर बहुत जिद करने लगी। रातोड़ उसको समझाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन चिन्नी नहीं सुनी। दो दिन खाना भी नहीं खाई। अब रातोड़ को क्या करना है पता नहीं चला। रातोड़ उनका मुनीम से, क्या करना है गंगू, मेरी बेटी तो गाय को पालने के लिए बहुत जिद कर रही है, अब इतना बड़ा घर में उस गाय को कैसे लेकर आना है, गाय को कुत्ते की तरह पालना है तो कैसे मुमकिन होगा, पूछा। तब गंगू, साहब हमारा गांव में एक वैज्ञानिक है, वो कुछ नया किस्म के गाय को तैयार किया है कहकर सुना, वो कुत्ते के बच्चे के तरह छोटे रहते हैं कहकर भी सुना, उनसे एक बार बात करेंगे तो अच्छा होगा शायद, कहा। तब राठौड़ बॉस के पास गया। राठौड़ उसका समस्या के बारे में बॉस से कहा। तब बॉस, सर मैं कुछ मिनिएचर गाय को तैयार किया था, वे बहुत दोस्त बनकर रहते हैं, कुत्ते के बच्चों को पाले जैसे उनको पाल सकते हैं, आप जैसे गाय को पालने वालों को ये एक परिष्कार है, कहा। तब वहाँ एक मिनिएचर गाय को देखकर राठौड़ हैरान रह गया। तब राठौड़, बॉस जी आपका मिनिएचर गाय का विचार तो बहुत बढ़िया है, ऐसा और भी तैयार कीजिए, हम इनको बेचने का व्यापार शुरू करेंगे, आपको पैसे मैं देता हूँ, कहकर कुछ पैसे दिया। बाद में राठौड़ उन मिनिएचर गाय को लाकर चिन्नी को गिफ्ट दिया। तब से चिन्नी उन मिनिएचर गाय के साथ खेलते हुए बहुत खुश हुई। बाद में राठौड़ उस गाय के लिए एक घर भी बनवाया, वो देखकर चिन्नी और भी खुश हुई।
एक तरफ बोस का मिनिएचर गाय का डिमांड बढ़ने के वजह से और भी मिनिएचर गाइस को तैयार करने लगा।